क्या हार्दिक पांड्या ने रील का गुस्सा रियल में निकाल दिया? वेल, सोशल मीडिया पर तो लोग यही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह आप सब जानते होंगे। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा जो है, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हार्दिक के जन्मदिन के दिन। अब पिछले जन्मदिन तक हार्दिक और नताशा साथ में सेलिब्रेट किया करते थे, लेकिन इस बार जन्मदिन के दिन एल्विश यादव के साथ उनका एक वीडियो आया। एल्विश ने लिखा सरप्राइज, और उसके बाद बहुत सारे रिएक्शंस आने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर टिप्पणियां की। कई लोगों को लगा कि ये वाकई में सरप्राइज है, कई लोगों ने कहा कि यार ये एक न्यू लो था नताशा की लाइफ में, वो देशभर की भाभी थी। कई लोगों ने कहा कि शी जस्ट ट्राइंग टू मूव ऑन। कुछ लोगों ने कहा कि वो अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहती हैं, इसलिए अब धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रही लोगों में। लेकिन हार्दिक पांड्या को लेकर सोशल मीडिया उनके जन्मदिन के दिन ऐसी तमाम पोस्ट से भरा रहा। ये रील काफी ज्यादा वायरल रही, और अब हार्दिक पांड्या ने जब बांग्लादेश के सामने T20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब पाया, जब आखिरी मैच में 18 गेंद पे 47 रन ठोक दिए 261 के स्ट्राइक रेट से, तो लोगों ने कहा कि मानो उन्हें बॉल में ट्रॉलर्स नजर आ रहे थे और हर एक बॉल को उन्होंने ट्रॉल कर करके मारा। 18 बॉल पे 47 रन 261 के स्ट्राइक रेट से। कई लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि ये रील से उनको चिढ़ाने वाले लोग हैं जिनको वो रियल में मार रहे थे, और हार्दिक ने एक्चुअली आते ही मारना शुरू किया। ताबड़तोड़ छक्के चौके जो है वो आज लगाए, और ऐसे ऐसे शॉट्स मारे जिसे देखकर आप कहेंगे यार ये शॉट कैसे हो सकता है। हार्दिक मैन ऑफ द सीरीज ही बने, 118 रन, एक विकेट और 5 कैच उन्होंने अब तक इस सीरीज में पकड़े थे, और इसकी वजह से हार्दिक मैन ऑफ द सीरीज बने। हार्दिक वैसे कमाल रहे हैं, मतलब अगर इस सीरीज में आप देखेंगे 17 गेंद 47 रन 4 चौके 4 छक्के जिस वक्त उन्होंने मारना शुरू किया था, ये कमाल था। पहले मैच में भी यही था, 16 गेंद पर 39 रन, सेकेंड T20 में 19 गेंद पर 32 रन, और थर्ड में 18 पर 47 रन। हार्दिक पांड्या की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। हार्दिक पांड्या हालांकि इस मैच के बाद कहते भी हैं कि कप्तान और कोच ने जो टीम को फ्रीडम दी है वो कमाल की है, अद्भुत है, शानदार है, और इसे वो कैरी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसे कैरी किया जाए, और इसका असर टीम में दिख भी रहा है। हालांकि हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया की कैप्टेंसी से हटाया गया था। हार्दिक पांड्या ये माना जा रहा था कि फर्स्ट चॉइस थे, T20 वर्ल्ड कप में वो कमाल खेलकर आए थे, वाइस कैप्टन थे, उनके बारे में दावेदारी चल रही थी, लेकिन आखिर में गंभीर एरा में सूर्य कुमार यादव कैप्टन बना दिया गया। लेकिन हार्दिक क्या कमाल खेल रहे हैं यार। उनके कई सारे जेस्चर्स भी वायरल हो रहे हैं, जैसे एक बच्चा बैठा था उसके साथ उन्होंने सेल्फी खिंचवाई, जिस तरह से लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये रील और रियल वाली कहानी ज्यादा चल रही है। रील उनकी वाइफ की है, और रियल में हार्दिक की परफॉर्मेंस जो है वो अलग लेवल पे आ रही है। हार्दिक अलग लेवल पे जाकर खेल रहे हैं, अलग तरह से खेल रहे हैं। उनकी वाइफ यूट्यूबर एल्विश के साथ एक रोमांटिक गाने पे रील बनाते हुए नजर आई थी, और उसी के बाद सारी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। तेरे करके एक गाना है जिसमें उनका ही नया गाना है जिनको लेकर वो डांस कर रही थी, और उसी को लेकर बहुत सारे रिएक्शंस आए थे, सोशल मीडिया भरा पड़ा था। हार्दिक पांड्या के एक्चुअली बर्थडे के दिन ये रील आया था, तो ये और ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था, इस पर लेकर और चर्चा चल रही थी। ये कॉन्ट्रोवर्शियल था। नताशा ने एल्विश का एक कमेंट भी शेयर किया जिसमें लिखा था उन्होंने कि हेलो दोस्तों, सरप्राइज कैसा रहा। अब इसी के बाद हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस इस सीरीज में उनका छाना, लोगों का उसको लेकर रिएक्ट करना काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। हार्दिक पांड्या और टीम इंडिया का सफर जो है बीच में कुछ समय से उतार चढ़ा। एक्चुअली हार्दिक पांड्या की पूरी लाइफ ही लास्ट 6-8 महीने में काफी उतार चढ़ाव वाली रही है। मुंबई का खराब खेलना, उनको लेकर बू होना, फिर आना T20 वर्ल्ड कप में अच्छा करना, फिर हार्दिक का कैप्टेंसी चला जाना, लेकिन उसके बावजूद प्लेयर ऑफ द सीरीज बनना, उस बीच उनकी वाइफ का उनसे अलग होना, ये रील का आना, उनके बर्थडे पर उनकी अकेले फोटो आना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं। हार्दिक पांड्या से अलग होने के बाद नताशा स्टैनकोविक का ये पहला प्रोजेक्ट था, और उसी को लेकर उन्होंने ये रील शेयर करवाई थी। हार्दिक और नताशा 4 साल साथ थे, उसके बाद अलग हुए। दोनों ने लिखा भी था कि अपना बेस्ट किया, उसके बाद चीज़ें नहीं बनी तो दोनों अलग हो गए। लेकिन अब ये रील बहुत 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 ज़्यादा वायरल हो रही है, अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इसे अनएक्सपेक्टेड मान रहे हैं, कई सारे लोग इसे मूव ऑन करने का तरीका मान रहे हैं, पर जो भी है लोग तो कह रहे हैं कि हार्दिक भाई ने रील का बदला जो है वो रियल में ले लिया। सच है ये? आपको क्या लगता है? वैसे आई बिलीव हार्दिक पांड्या इज अ ग्रेट एसेट टू इंडियन टीम, जो बैलेंस वो इंडियन टीम को प्रोवाइड करते हैं।
वो कमाल है। कैप्टेंसी के टाइम उनको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, बट ये अब वाला जो हार्दिक पांड्या है, जो ये फिनिशर हार्दिक पांड्या है, इस एटीट्यूड वाले हार्दिक पांड्या को आप अनमैचेबल कह सकते हैं। इज अ डिस्ट्रॉयर और ये स्वैगर बंदा है। लेट्स जस्ट होप कि इसी वाले हार्दिक पांड्या को हम और देखें और टीम इंडिया की जीत में वो अधिक से अधिक कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकें। बाकी मुंबई कैप्टेंसी से जाएगी वो भी देखने वाली बात होगी।